तो वही महाराष्ट्र में कोविड केस कम होने के साथ ही उद्धव सरकार अब मौजूदा प्रतिबंधों को कम करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीके से बंदिशों को हटाने पर चर्चा चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया सूबे में शुरू हो सकती है। हालांकि पिछले बार से सब सबक लेते हुए उद्धव सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मेरी सहयोगी उर्वशी होना ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार से बातचीत की है। पूरी लॉकडाउन को लेकर चीजें होगी, इसको लेकर मेरे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर विजय वडेट्टीवार जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर क्या होगा 1 जून से, किस तरह से अनलॉक फेजेस शुरू होने वाले हैं या लॉकडाउन कंटिन्यू होगा। देखिए महाराष्ट्र में करीबन 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे कि वो जो रेड जोन में है और उसमें तो कुछ रिलैक्सेशन देने का सवाल ही नहीं। हम लोग उसमें और कुछ कंटेनमेंट जोन तैयार करके उसको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की हमारी कोशिश चल रही है। रहा बाकी जिलों में तो उसमें कुछ निश्चित रूप से उनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। ये इसीलिए कि आज अभी इंडस्ट्री हो या लोगों का रोजगार हो, बहुत सारे काम करने वाले मजदूर है, खेती का काम है, किसान के प्रॉब्लम है, इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसमें शिथिलता लानी पड़ेगी, उसमें कुछ कम करना पड़ेगा। अभी जो हमने गाइडलाइंस दिया है ये हमने अभी सोचा है। इस बारे में आने वाले 3-4 दिन में, अभी 1 जून तक तो है, 28-29 तारीख को हम इसके बारे में मीटिंग होगी, चर्चा होगी। और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो कल थी वो आज भी पेशेंट कम होने के बाद भी है। ये होता हो सकता है कि कुछ कम ऑक्सीजन का गलत वापर हो रहा होगा, सेविंग के बारे में कुछ प्रॉब्लम होगा, पर आज की स्थिति में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई, इतने सारे क्रिटिकल पेशेंट आज भी है। तो यह स्थिति को देखते हुए हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और 13 डिस्ट्रिक्ट जो है, 13 डिस्ट्रिक्ट जितने जो रेड जोन में, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके हाँ उस बारे में उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये सोचेंगे जिस तालुका प्लेस पे होगा उसमें पेशेंट ज़्यादा है तो उस तालुका को ही हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को पूरा लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती जारी है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को चौक चौराहों पर तैनात मुस्तैद पुलिस रोकती है। जिन लोगों के पास घरों से निकलने की वजह नहीं है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह लोग घरों से ना निकले इसको लेकर लगातार लखनऊ पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। मैं इसमें हजरगंज चौराहे मौजूद हूँ, देख सकते हैं कि जो लखनऊ पुलिस के लोग हैं लगातार बेवजह घरों से निकलने वालों को रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उस मास्क के लिए टोका जा रहा है, चालान किया जा रहा है। उसके अलावा जो निर्देश जारी किए कोरोना काल में उन सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लखनऊ के करीब जितने भी चौराहे हैं उन चौराहों पर पुलिस नजर आ रही है और साफ तौर पर लोगों को जो घर से निकल रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है, घरों से निकलने की जो वजह है वो पूछी जा रही है। क्योंकि अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जो बाज़ार खुलने का समय दिया गया वो भी जरूरी सेवाएँ हैं वो शुरू रहेंगी। उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले रहेंगे। सुबह का जो वक्त है उसमें राशन की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट्स की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 11 बजे के बाद जो लोग जिनके पास वजह होती है उनको तो जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनको पुलिस रोकती है, उनसे घर से निकलने की वजह पूछी जाती है और अगर लोग बेवजह होते हैं तो उन पर कार्रवाई है वो की जा रही। तो साफ तौर पे अगर जिस तरीके से बात की लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इस दौरान जो सख्ती है वो साफ तौर पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, उनसे घर से निकलने की वजह है वो पूछी जा रही है। लोगों ने मास्क भी धारण किया हुआ है, उसके अलावा जो दूरी है वो बना के रखनी, तो साफ तौर पर जो निर्देश है उनका सख्ती से पालन है वो कराया जा रहा है। हरिओम के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। और आप खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।